यस मैम, बस लास्ट दो क्लास नहीं ली थी मैंने। ऐसे मत किया करो भाई, लास्ट दो क्लास में नहीं ली, क्या नहीं ली भाई। केमिकल बॉन्ड, हमें क्या पता चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग से? हमें लास्ट क्लास में किया था किसने किसने नहीं लिए लास्ट दो क्लासेस? कृष्णा ने, कृष्णा मिश्रा ने। केमिकल बॉन्डिंग बच्चे मतलब कि क्या? कोई हमारे जो बॉन्ड है, हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे, कुछ कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे। तो हमने कहा कि भाई क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो किसी ने अपनी थ्योरी दी ऑक्टेट रूल की। लुईस, उसने बोला कि क्या करने, क्यों नहीं हो रहा, कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कोई नहीं हो रहा। जैसे कि Na के साथ अगर मैं मैग्नीशियम मिला दूं तो भाई ये दोनों मिलकर कंपाउंड नहीं फॉर्म कर रहे, लेकिन मैं Na के साथ अगर Cl बनाती हूँ तो ये मेरा कोई एक NaCl एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ भाई? इसी के साथ किया इसने, इसके साथ फॉर्म होकर नहीं बनाया कुछ कंपाउंड। तो उसने क्या बोला, ऑक्टेट रूल एक आया। उन्होंने क्या कहा भाई कि जो एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ऑक्टेट रूल ने ये कहा। फिर लास्ट क्लास में हमने किया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मैंने इस स्लाइड में, इस मतलब ये जो आपके पास PPT आएगी, इस PDF के अंदर तुम्हारे सारे, रोहित आगे क्लास के अंदर, इस PDF के अंदर तुम्हारे सारे के सारे जितने भी पॉइंट हैं वो एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, अपने आप रीड कर लेना एक बार। वरना मैं यहाँ तो समझा ही रही हूँ, लेकिन आप भी अपनी तरफ से इन सारे पॉइंट्स को क्या कर लेना, एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू जरूर करना PDF से, ठीक है। सारे नोट्स जो हैं वो सही से लिखे हुए हैं ये, ठीक है। ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर है एक्स्ट्रा चीजें हैं जो, ये सारी चीजें एक बार रिपीट कर लेना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने बनाने को बोला था। तुम लोग को होमवर्क दिया था कार्बोनेट का, नाइट्रेट का, और किसका दिया था, सल्फेट का। ये होमवर्क दिए हुए थे, किसी ने बनाया भाई? लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रूल देख लो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है भाई, अगर जो मुझे पता है, अगर ऊपर से आपका पॉजिटिव चार्ज है, बच्चे किसी भी चीज के ऊपर अगर ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि क्या है पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मिस है, गए हैं, उन्हें डोनेट करे हुए हैं, आया ना। यस NH4 मैम, प्लस अगर मेरे पास है, इस बात का मतलब है कि इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन क्या गया है, निकला हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज आपको किसको देना है, पॉजिटिव चार्ज गिविंग टू सेंट्रल मेटल एटम। हमेशा पॉजिटिव चार्ज किसको मिलेगा, सेंट्रल एटम को, मेटल एटम नहीं, सेंट्रल एटम। क्लियर है ये बात? पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे आएगा, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है वो निकला है सेंट्रल एटम से। सेकंड, अगर आपकी उसके ऊपर कोई भी ये कंपाउंड है, उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब कि क्या, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया होगा, इलेक्ट्रॉन एड ऑन साइड एटम, जो साइड में आपका एटम है ना, साइड एटम। सपोज जैसे कि आपके SO4 टू नेगेटिव आया, तो जो टू नेगेटिव मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो आए होंगे वो किस पे आए होंगे, जो साइड में आपका ऑक्सीजन लगे हुए हैं ना, जैसे सेंटर में तो सल्फर हो गया, और साइड में जो ऑक्सीजन रहेगा नेगेटिव चार्ज मतलब कि उसके ऊपर आया होगा। क्लियर है ये बात, आया ना, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हटाना है कहाँ से, सेंट्रल एटम से। इलेक्ट्रॉन ऐड करना है अगर, तो कहाँ पे ऐड करोगे, ये जो बाहर ये आउट ये वाला एटम है, जो साइड में एटम लगे हैं उनके। नेक्स्ट, अब रूल देखो भाई क्या होता है, आपके जितने भी थर्ड, सबसे पहले क्या काउंट करोगे आप, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम में। सपोज मुझे सल्फेट के लिए, मैं SO4 2 नेगेटिव के लिए बता रही हूँ इस तरीका, मतलब एक फॉर्मूला कि कैसे आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो। वैलेंस एटम, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, किसी को पता है, किसी को नहीं पता, सोनिया मैम आदित्य सिक्स कितने होते हैं सल्फर के, सिक्स, वेरी गुड, सिक्स होते हैं सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनते जाना, धीरे धीरे समझा रही हूँ, उसके बाद कार्बोनेट नाइट्रेट HNO3 इन सबके तुम खुद बनाओगे। सल्फर के होते हैं सिक्स, प्लस ऑक्सीजन के भी सिक्स होते हैं वैलेंस शेल में, फोर ऑक्सीजन है तो 4 × 6। क्लियर हुई बात, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ, 6 + 4 × 6 + 2 नेगेटिव है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए होंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए होंगे। रोहित मैं क्या करूंगी, दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड करूंगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे, 6 × 24 + 2 कितने आए भाई, 32, 32 आ गए यस मैम। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक एक और रूल और है क्या, सबसे पहला काम हमें जो ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट जो देने है ना, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट फॉर साइड एटम, ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट
साइड एटम, जो साइड एटम है ना आपके जो कॉर्नर पे जो एटम लगे हैं उनका ऑक्टेट जरूर पहले कंप्लीट, उनका ऑक्टेट करना है, बात समझ में आई, उनका ऑक्टेट पहले कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट आओ, आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 32। अब सल्फेट को इक्वली तरीके से लिख लो, सबको एक ऑक्सीजन इधर लिखा, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, क्लियर है सब, चारों तरफ उसके एटम जो जो मुझे चाहिए वो मैंने लगा दिए। तमन्ना अभी ये ज्वाइन हुई है, जरा ध्यान से देखना तमन्ना, मैं इस लुईस डॉटिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 32। अब एक एक बॉन्ड बना दू, 1 2 3 4, चार बॉन्ड तो बनेंगे ही बनेंगे, हाँ ना, बोलो भाई। यस मैम, चार बॉन्ड बनेंगे। अब आपके पास 32 में से चार बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई चार बॉन्ड माने कितने इलेक्ट्रॉन, कौन बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सोनिया, चार बॉन्ड बने हैं तो? नरगिस क्या तुम बता सकती हो, चार बॉन्ड अगर बने हैं बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं एक बॉन्ड बनने में, ये एक, हाँ एक बॉन्ड बनने में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं नरगिस, तो चार, हाँ बिल्कुल रजत ठीक, चार बॉन्ड आपके बने हैं तो आप इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, 32 में से 8 इलेक्ट्रॉन बच्चे माइनस करें कितना आएगा, 24 आ गया आपके पास, ठीक है बस बस आप कमेंट मत करो, 24 इलेक्ट्रॉन अब आपको इक्वल इन सबको दे देने हैं भाई लोन पेयर के रूप में। किस किस को दोगे आप, पहले सारे ऑक्सीजन को कंप्लीट करोगे, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस वाले ऑक्सीजन का, ऐसे इसको भी दिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हो गए सबके ऑक्टेट कंप्लीट। यस मैम, तो आपका सल्फेट का और सल्फर का देखो जरा बीच में ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस तो आपका सल्फर का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो ये बना। किसी को समझ में आया कैसे बनाना है, पहले आपने काउंट करना है, फर्स्ट स्टेप है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, फिर माइनस कर देना है जो भी आपका कितने बॉन्ड बॉन्ड जितने भी बने ना बॉन्डिंग क्या बोलेंगे इसको, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके हैं उनको माइनस कर देना है, फिर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन बच गए हैं लेफ्ट इलेक्ट्रॉन, भाई इन सब के लिए टर्म है यू वी ये सब जो टर्म्स हैं वो आप देख लेना एक बार, लेफ्ट इलेक्ट्रॉन जो बच गए हैं बच्चे उनको फिर क्या करना है आपको, उनसे सारा ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करनी है, क्लियर हुई बात, बोलो भाई। नहीं yes, एक और देखें आप किसका बनाएं, कोई बताएगा, किसी ने कोशिश करी थी कोई बनाने की जिसका ना बनाओ, इस पूरे के ऊपर हम 2 नेगेटिव चार्ज लगा देंगे क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हुए हैं ना, अभी मैं बताऊंगी कौन से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है वो उसके लिए हम फॉर्मल चार्ज निकालना सीखेंगे, इनमें से किसी दो नेगेटिव है यानी कि किन्हीं 2 ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी आया होगा, हाँ है ना, ठीक है फॉर्मल चार्ज के बारे में भी हम बात करेंगे, पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, HNO3 का मुझे बनाने के लिए भी बोला गया, HNO3 बनाते हैं, जरा सारे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो काउंट करेंगे, हाइड्रोजन के कितने होते हैं वैलेंस शेल में 2, नाइट्रोजन के कितने होते हैं 5, प्लस ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 18 और 7 25 ओके 25 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए आपके पास। अब जरा इनको सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, ऑक्सीजन के पास को पहले ओ लगा दो, उसके बाद एच एक के साथ हो गया HNO3 कंप्लीट हो गया। एक रूल और है वो क्या, जब आपके पास दो एलिमेंट से कोई कंपाउंड बन रहा है तो बीच में आपका जो सेंट्रल एटम रहता है वो मोस्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है रजत, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है FON, है ना, क्लोरीन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन उसके बाद, नाइट्रोजन सबसे कम, है ना, ऑक्सीजन की ज्यादा जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी इन द सेंटर, मस्ट बी क्लियर है, हाँ है ना,
अब जरा इसके इलेक्ट्रॉन जरा कितने हो गए 25, बॉन्ड पेयर निकाल दो कितने बॉन्ड पेयर टोटल कितने 25 में से कितना माइनस करूं? अरे भाई कमेंट कर रहे हो क्या? 1 2 3 4 कितने 4 हैं, 25 में से कितने माइनस कर दूं? 8 इक्वल टू कितना आएगा 25 माइनस 8 नरगिस 17 आ गया 17। अब जरा 17 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो, वन पहले ऑक्टेट इनके भाई हाइड्रोजन का तो पूरा है ऑलरेडी, ऑक्सीजन का कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 4 5 6 7 8 1 2 3 4 कितने हो गए 6 6 12 और 4 बोलो भाई है ना, कितने हो गए 17 हो गए पूरे 16 हो गए ना 16 हो गए 16 और तुम लोगों का यहाँ पे पक्का 25 आया था ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी ना? चलो भाई अब ऑक्टेट देखो सबके जरा, अब सब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजें फिर भाई HNO3 का, इसको दें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, चलो भी देते हैं नाइट्रोजन को, किसके इनकम्प्लीट है, सबके कंप्लीट है भाई, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 चलो अब मुझे ये बताओ कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चे बोलो, 6 ही हैं, नाइट्रोजन के पास कितने होने चाहिए 8, क्या करूंगी क्या करूंगी मैं, एक किसी को बिठा के मैं इसका इस वाले पूरे को यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दूं तो अब कंप्लीट है नाइट्रोजन का ओ एच ओ, बोलो आप कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन का 1 2 3 4 ये वाले को मैंने उठा के इधर कर दिया, बात समझ में क्या किया, ये जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थे इसे मैंने बना दिया डबल बॉन्ड यहाँ पे, बाकी सब सेम है। अब नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया देखना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 एक बात मुझे बताओ, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? मैं ये सोच रहा था, मैंने पूछा नहीं है, यही सोच रहा था मैडम, इतनी जगह बताओ बता दिया करो, एक होता है ना मैम, तो इधर उधर देख रही है, तुमने इस पर ऐसे ही काउंटिंग कर दिया ही है मैम जी, गलती पकड़ने में बड़ा मजा आ रहा है, समझ में आ गई बात? अरे भाई बोलो हाँ या ना, ठीक है 4 में से 8 माइनस करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे आपका 60 राइट। चलो अब हो गया, कब समझ में आया HNO3 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा? मैम एक डाउट था, हाँ बोलो मैम, ये जो हम एच हमने साइड में लगाया उसे हम सेंटर में नहीं लगा सकते? अरे भी बताया ना रूल, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी ना सेंटर, ओके आप ये कह रहे हो कि हाइड्रोजन भी तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्यों नहीं सेंटर में हम रख रहे? बच्चे हाइड्रोजन के सराउंड में आप कैसे भेजोगे, ठीक है हाइड्रोजन तो भाई दो ही उसकी वो है, उसके साइड में नहीं है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है जब भी आपका, अब मुझे एक काम बताओ, मुझे NF3 नेगेटिव का बना लो एक और एक कार्बोनेट का, एक बार खुद ट्राई करके देखो, कार्बोनेट का हमने शायद क्लास के अंदर बनाया भी था, कार्बोनेट के लिए भाई कार्बन के कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p यही होते हैं भाई, 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मुझे यहां से मिले कितने हो गए 18 19 20 24 24 इलेक्ट्रॉन। अब जरा इनको डिस्ट्रीब्यूट करो, कार्बन पहले ऑक्सीजन सारी जगह लिख लो ओ ओ ओ, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस की 24 में से कितना आया 18 18 अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है साइड वाले एटम के ऑक्टेट मैंने कंप्लीट कर दिए, लेकिन भाई एक दिक्कत आ गई मेरे पास, मैंने साइड वाले तो कंप्लीट कर दिए नरगिस, लेकिन मेरे पास जो आपका क्या है सेंट्रल एटम है, क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? ध्यान से देखो, नो मैम। तो क्या करेंगे अगर मेरा उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड करना पड़ेगा, तो एक ऑक्सीजन को मैंने उठाया और इधर रख दिया, इसको क्या कर दिया डबल बॉन्ड कर दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 अब पूरे हो रहे हैं क्या,
1 2 3 4 5 6 7 आया ना? Yes, ma'am. मेरे पास yes, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर आ गया, सीओ थ्री टू नेगेटिव था ना, टू नेगेटिव ऐसे करके ये मेरा किसका आ गया, कार्बोनेट का। एक प्लस वाला भी बना के दिखा देती हूँ, एनएच फोर प्लस। और किसी को प्लस वाले का कोई नाम याद है एनएच फोर प्लस के अलावा? मुझे तो भाई एनएच फोर प्लस ही पता है। एनएच फोर प्लस का बनाए बन जाएगा तुम लोगों से नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने, 5 4 हाइड्रोजन के हो गए मल्टीप्लाई बाय 1। भाई प्लस का निशान है, मैं यहाँ माइनस 1 करूँ प्लस 1 करूंगी? पक्का विशेष ने माइनस 1 बोला, ये योग्यता माइनस 1 करूंगी मैं इसे, क्योंकि प्लस है भाई, इलेक्ट्रॉन गया होगा तो माइनस का 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास जो है वो कितने आ गए बच्चे, 8 आया ना, 8। जरा नाइट्रोजन के आसपास हाइड्रोजन दे दो, 4, और 4 ही इसके बॉन्ड पेयर हो गए तो -0। भाई किसी में भी कोई लोन पेयर की जरूरत, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं इस पूरे पेपर, प्लस का निशान। ये आपका किसका हो गया, एनएच फोर प्लस का। क्लियर है भाई? लुईस रॉड डिस्ट्रक्चर समझ में आया कैसे कर रहे हैं, फॉर्मूला रूल जो है उसके अकॉर्डिंग रूल। yes, मैंने ये पीडीएफ है, इसमें सारे सीरियल वाइज लिखे हुए हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहे हैं? नर्गिस दीक्षा, समझ में आया बच्चे? ठीक है, अब जरा हमें निकालना सीखना है क्या फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है भाई मेरे पास? अब मेरे O3 का एक बार मैं बनाती हूँ, O3 ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला है O3। हाँ भाई, ऑक्सीजन कितने है? एक को तो सेंटर में रख लेती हूँ और दो को मैं इसके साइड में रख लेती हूँ। ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर, 6 तो इसका वैलेंस शेल में होता है, और 6 × 2 18 हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन में से 2 आपने बॉन्ड में यूज कर लिए, 4 आपने बॉन्ड में यूज कर लिए हैं, है ना? Yes, ma'am. 4 आपने बॉन्ड में यूज कर लिए तो -4 क्या बचे कितने, 14। अब जरा यानी पहले साइड आइटम के जो है उनको फिल करते हैं, 1 2 3 6 4 5 कितने हो गए, 12 हो गए, 14 कंप्लीट। लेकिन भाई सेंट्रल एटम पे मेरे पास क्या नहीं हो रहा, सेंट्रल एटम पे क्या नहीं आ रहा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम डबल बॉन्ड दे देंगे इसका। अब कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया ना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। अब मेरे पास इसके जो ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट हो गया है और ओजोन का, और ये लुईस रॉड स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अगर मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना हो क्या होगा, फॉर्मल चार्ज का जो रूल है वो क्या है, यहाँ पे इस वाले को देखो। अगर मुझे हर एक इंडिविजुअल एटम पे मैं फॉर्मल चार्ज निकालूंगी, ओजोन के इस ऑक्सीजन का नाम मैंने रख दिया 1, इस ऑक्सीजन का नाम 2 और इसका 3। इस वाले ओजोन, इस वाले ऑक्सीजन पे क्या फॉर्मल चार्ज है, उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। फॉर्मल चार्ज Fc से डिनोट कर रही हूं मैं फॉर्मल चार्ज को, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इस वाले ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग मतलब टोटल नंबर लोन पेयर, माइनस किस कितना जो इसके ऊपर लोन पेयर लगे हैं वो, और फिर क्या माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड पेयर। बात समझ में आई क्या है फॉर्मूला, लिख लो इसे, फॉर्मल चार्ज निकालने का ये फॉर्मूला। इस ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, 6, माइनस लोन पेयर कितने हैं इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर, 1 2 3 4, माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2, कितने हैं बॉन्ड पेयर भाई, बॉन्ड पेयर कितने बच्चे इसमें, एक बार और समझा दीजिए, एक बार और समझाऊं। ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस वाले इंडिविजुअल एटम के ऑक्सीजन, सिर्फ इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या फॉर्मल चार्ज है मैं वो देखूंगी। ठीक है, वॉइस आ रही है ना? हेलो मैम, अभी आपकी वॉइस नहीं आई है। हाँ मुझे पता था, अभी क्लियर है? क्या देखूंगी मैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस वाले जो ऑक्सीजन के ऊपर आपका कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन का, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस का लोन पेयर। अब आ गई वॉइस? अरे यार भाई कॉल आ जा रहा है, नेटवर्क चल रहा है, मैम अभी इशू हुआ था दोबारा से। हाँ कॉल आ रहा है ना किसी का, तो वो नेट चला जाता है फोन से, ज्वाइन है ना उसे। अभी क्लियर है ना? Yes,
मैम फिर से यही हुआ। अब क्या करूं, फिर आएगा कॉल। चलो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, तुम जब तक ये नोट डाउन कर लो भाई, टाइम मत मांगना। माइनस का लोन पेयर, माइनस का वन हाफ बॉन्ड पेयर। एक काम करो, इसका बताते हूँ सल्फेट। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। अभी ठीक है? यस मैम। भाई जब तक कॉल ना उठाती तो वो मुझे परेशान करते रहते, तो मैंने कॉल ही उठा के उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि फोन मत करो, मैं क्लास ले रही हूँ, इसलिए वॉइस कट गई थी। ठीक है, हमारी क्लास डिस्टर्ब हो गई। देखो बच्चे, हम फॉर्मल चार्ज हर एक इंडिविजुअल एटम का निकालेंगे। SO42 नेगेटिव का जो मेरा स्ट्रक्चर बना था वो कुछ ऐसे था, भाई ऐसे बना था ना हमारा, एक दो मैम स्क्रीन शेयर नहीं हुई। मेरे पास जो सल्फेट था भाई उसका स्ट्रक्चर ऐसा था, SO42 नेगेटिव मैंने बनाया था अभी, वन सबके सबको मैंने एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ ऐसे ही बनाया था ना अभी हमने स्ट्रक्चर। अब मुझे फॉर्मल चार्ज सिर्फ इस एटम का निकालना है, हर एक इंडिविजुअल एटम का फॉर्मल चार्ज निकलता है, सिर्फ इसका निकालना है। बात समझ में आई? सिर्फ इसका जब मैं फॉर्मल चार्ज निकालूंगी तो उसमें मुझे क्या करना है, इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6। माइनस का क्या भाई लोन पेयर कितने हैं इसके ऊपर, एक दो तीन चार पाँच छ, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6 है ना। 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, एक दो, बोलो भाई, दो है नहीं है, माइनस का 2 है। तो मेरे पास जो यहाँ पे चार्ज आया भाई, 6 से 6 कैंसिल हो गया, चार्ज क्या है, माइनस का 1, यानी कि इस वाले सल्फर के इस वाले मॉलिक्यूल पे जो चार्ज है वो क्या है, माइनस का 1। क्लियर हो गई बात? हाँ है ना? Yes, ठीक है। ऐसे ही अब आपने ओजोन वाला जो मैंने भी करवाया था इससे निकालो सबके, इस वाले ऑक्सीजन का किसी ने मुझे बताया भी था, वन वाले ऑक्सीजन का जरा फॉर्मल चार्ज निकालो कितना आएगा आपका, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर कितने हैं आपके, 4 है ना भाई इसमें, 1 2 3 4, अब तो भाई बहुत सारे दिख गए डॉट डॉट डॉट, लेकिन 4 ही थे, 1 2 3 4। और बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, 4, 4 में से 2 हो गया, आंसर कितना आया भाई, 0। यस मैम 0। ठीक है, तो इस वाले पे जो फॉर्मल चार्ज है वो आ गया आपका 0। अब जरा इस वाले थर्ड वाले पे निकालो अपने आप निकालो थर्ड वाले का, थर्ड वाले ऑप्शन का खुद निकालना है कॉपी में, सारे बच्चे अपनी कॉपी को खोल के मतलब लिखो उसमें। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6। माइनस का लोन पेयर कितने हैं, 6, राइट। माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर के, 1 एंड 2। कितना चार्ज आया भाई, माइनस का 1। यस मैम। तो इसके पास आ गया माइनस का मतलब एक माइनस का निशान। अब बीच वाले सेकेंड वाले ऑक्सीजन का निकालो, ये ऑक्सीजन 3 थर्ड वाले ऑक्सीजन का था, अब ऑक्सीजन 2 वाले पे कितने क्या चार्ज आएगा जल्दी बताओ जरा, कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, 6। माइनस के लोन पेयर कितने हैं भाई, 2, राइट। बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कितना आंसर आया भाई, प्लस का 1 आया नहीं आया? यस मैम आ गया, मैंने सबका आया प्लस 1। तो इस तरीके से मैं निकाल लेती हूँ मेरे पास चार्ज जो है वो कितना आया, इस पे आ गया मेरे पास प्लस का 1। वापस से आ जाओ सल्फेट वाले पे, इस वाले ऑक्सीजन का भी निकालोगे इस पे भी कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा जैसे हमने निकाला, इसका निकालोगे इस पे भी माइनस का 1 आ जाएगा, इसका निकालोगे इस पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आया ना, माइनस 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 सब पे आ गया। बीच में सल्फर का निकाल के दिखाओ मुझे जल्दी से, सल्फर एटम पे कितना चार्ज आ रहा है, सब पे 1 आएगा ना, माइनस का 1 आ रहा है ना सब पे, निकाला सबने? यस मैम।
विवेक कह रहा है मे बी यू आर डूइंग रॉन्ग. किस कौन सा वाला जीरो आंसर है? किसका विवेक, किसका जीरो है? ओ थ्री वाले में, ओ थ्री में किस वाले का जीरो? मैंने कर तो दिया, जीरो तो आ गया. ये माइनस का वन, एक प्लस का वन आया, इस पे ऑलरेडी जीरो आया था, इस पे माइनस, इस पे प्लस का वन आया, इस पे माइनस का वन आया, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया ऊपर? जीरो. यस बोलो भाई, प्लस वन माइनस वन जीरो हो गया, इसका तो ऑलरेडी जीरो आया था. क्लियर है विवेक? विवेक समझ में आया? एक का प्लस वन आ रहा है उसने, एक का माइनस वन आ रहा है और एक का जीरो आ रहा है. ठीक है, तो ओवरऑल जो है वो जीरो आ रहा है. वैसे सल्फेट में, अब आप सल्फर का जो निकालोगे, जरा यहाँ पे सल्फर इसका निकालो, सल्फेट में SO4 का, SO4 में सल्फर का निकालो कितना आ रहा है. सल्फर के कितने होते हैं? सिक्स. माइनस के लोन पेयर कितने? एक भी नहीं, जीरो. माइनस वन बाय टू बॉन्डिंग पेयर कितने हैं आपके पास? आठ. Yes, एट है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. आपने इसमें से इसको डिवाइड माइनस किया, मतलब करा, सॉल्व किया, तो आंसर कितना आया? टू. यानी कि सल्फर पे जो चार्ज है वो प्लस का टू. ओवरऑल चार्ज बच्चे कितना आ जाएगा? माइनस का फोर है और प्लस टू, माइनस टू आ जाए तो नहीं आएगा. यही तो हमें निकालना था. विवेक क्या कह रहे हैं? वन जीरो टू माइनस वन थ्री वन. किसका आंसर दे रहे हो विवेक तुम? वन जीरो टू. विवेक क्या तुम अपना माइक ऑन कर सकते हो? ओ थ्री का वन जीरो टू. ये इतने सारे आंसर किस चीज के आ रहे हैं इसके? ओ थ्री के. ओ थ्री कितने सारे कैसे हो जाएंगे? पहला जीरो, पहला जीरो, अच्छा पहला जीरो, दूसरा माइनस वन, तीसरा वन. मेरे उसमें भाई यहाँ पे जरूरी है, तो मैंने वन नंबर किसी और को दिया हो, टू नंबर किसी और को दिया हो, थ्री नंबर किसी और को दिया हो, बुक में हो सकता है कुछ और हो. मैंने वन नंबर इसको दिया, इसका जीरो आया, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे माइनस वन आएगा, इसमें इसने दिए हैं अपने, इसलिए प्लस वन इस पे आया. नहीं समझे तुम? नहीं आया बात समझ में? हो सकता है वहां पे ऑक्सीजन की नंबरिंग अलग और की हो, मैंने यहाँ पे अलग करी हो, मैंने कोई रटा थोड़ी है. ये तो पीछे ही पड़ गया भाई. जरा आओ बाकी बच्चे, बताओ जरा. नहीं बच्चे ऐसे ही होगा, ऑक्सीजन का ये जीरो है आपका. क्या बोलते हैं जो हमने थर्ड वाला निकाला, का बताना है. मुझे नहीं पता ये किसका बोल रहा है. पहला वाला जो है इसका प्लस वन ही है, दूसरे वाले का माइनस वन. ए चले ये क्या है, पागल बना रहा है ये बच्चा. तुम अपना करो ठीक है, इसको कुछ नहीं पता ये बच्चा. मैम को गलत, मैम को सोच रहा है कि मैं इसको कर दूं. ओ थ्री का बच्चे खुद बनाकर देखो एक बार. ऑक्सीजन है आपके पास, ओ है और ये ऑक्सीजन. ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. मेरे पास इसके लोन पेयर बचे थे, इसके कितने बचे थे? वन टू थ्री फोर, और इसमें यहाँ पर टू ही थे. अब सबका खुद अपने फॉर्मूले से लगा के देखोगे भाई, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है माइनस का निशान उस पर आएगा या नहीं आएगा, ये तो अपने आप वो है. जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके पास माइनस का. इसके सारे कंप्लीट हो रहे थे भाई, इसको ना इसने ना किसी को दिया होगा ना किसी को लिया होगा, शेयर कर ली बस, तो इसलिए इसका फॉर्मल चार्ज जीरो आ रहा था. इसने उल्टा क्या किया होगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, क्या करे होंगे इसने इलेक्ट्रॉन अपने, किसी से, किसी को दिए हैं अपने, तभी तो इससे कम लोन पेयर बच रहे हैं, प्लस का वन चार्ज. ठीक है, नेक्स्ट अपना एनओ थ्री नेगेटिव के लिए अपने आप सब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे. सबको अगर आ गया एग्जाम में भाई किसके ऊपर क्या चार्ज है, पहले तो आपको लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद नेगेटिव निशान किसके ऊपर. एक तो तुम फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, दूसरा तुम डायरेक्ट यही देख के निकाल सकते हो भाई कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा किस में आ रहे हैं. जिसके पास ज्यादा आ रहे होंगे ऑटोमेटिकली माइनस का निशान उस पर आ जाएगा. क्लियर है ये बात? चलो अब नाइट्रेट का बनाओ. एनओ थ्री नेगेटिव क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फाइव प्लस सिक्स थ्री जा एटीन, प्लस का वन कितना आया आपके पास? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? एटीन और फाइव ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर. सबको दे दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. ट्वेंटी फोर में से माइनस कर दिए, बॉन्ड पेयर कितने थे? छह बचा था, एटीन हो गए. लेकिन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने एक से डबल बॉन्ड ले लिया और इसका भी कंप्लीट कर लिया. अब मुझे बताना है भाई कि किसके ऊपर क्या आएगा, प्लस का निशान और किसके ऊपर आएगा माइनस का निशान. अब एक तो तरीका है कि मैं डायरेक्ट यहां देख लूं भाई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के ऊपर, ये माइनस वन ये भी रहा होगा, ये भी माइनस का रहा होगा. क्लियर है? फॉर्मल चार्ज दोनों के ऊपर माइनस आएगा, कैलकुलेट करके अपने आप देख लेना. जरा बताओ जरा आ रहा है?
कोई बताएगा? किया कैलकुलेट किसी ने? इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर बताओ किसका चार्ज आ रहा है, कितना चार्ज आ रहा है आपका? नाइट्रोजन का कितना होता है? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास, कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. क्लियर है भाई? स्ट्रक्चर यही निकल कर आ रहा है नाइट्रेट के लिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर. करा किसी ने सॉल्व? हाँ विवेक बोलो. लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमारे पास यही है. बॉन्ड पेयर बता दो. बॉन्ड पेयर बोले तो मैम ये क्या बोलते नाइट्रेट का, नाइट्रेट का फिर से बनाकर दिखाऊं कि मुझे लगा तुम लोगों ने बना लिया है ये, तो इसलिए मैंने फटाफट बना दिया ये वाला स्ट्रक्चर. यहाँ पे हमने अभी HNO3 का बनाया था ना, ऐसे ही नाइट्रेट का भी बनेगा. बॉन्ड पेयर मतलब बच्चे क्या बॉन्ड पेयर बताऊं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही सी में रह जाओगे क्या? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के पास 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 1. टोटल इलेक्ट्रॉन बच्चे कितने आए आपके पास? 24. फिर आपने नाइट्रोजन के अराउंड में ऑक्सीजन को इस तरीके से लिख लिया. टोटल आपके पास बॉन्ड पेयर कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस किया 6, यहाँ पे कितना बचा? 18. मैंने क्या बताया था? सबसे पहले साइड वाले इलेक्ट्रॉन के ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं, तो आपने उनको ये लोन पेयर बांट देने हैं. फिर आपने देखना है कि सेंट्रल एटम पे क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो आपने देखा नहीं जी सेंट्रल एटम पे कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो किसी एक को उठा के आपने उससे क्या करा? डबल बॉन्ड ले लिया. क्लियर है? यस मैम. ठीक है, 1, 2, 3, 4, अब ये 4 ही रह गए, बाकी सब 6 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अभी इसमें एक चीज और आएगी, डेटिव बॉन्ड जो हम बनाएंगे वो कैसे आप ये इधर देखना भी. 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए आपके पास. अब मुझे सबके फॉर्मल चार्ज काउंट करने हैं भाई, सबका नंबरिंग कर देती हूँ. इसका 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, 3 और 4. नंबर 1 एटम पे फॉर्मल चार्ज जो है वो कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई ऑक्सीजन के पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं टोटल? 6 माइनस लोन पेयर 6 माइनस 1/2. बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चे ये पूछ रहे हो आप. बॉन्ड पेयर कितना आया? 0 का. यस मैम, ये 0 का आया. माइनस का 1 नहीं आया? माइनस 1. सॉरी मैम, सॉरी. है ना, माइनस 1 आ गया. ऐसे ही आप 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं, तो इसका भी सेम ऐसे ही आएगा, माइनस का 1 ही आएगा. आया ना? अब जरा इस वाले ऑक्सीजन का निकालेंगे. अब इस वाले ऑक्सीजन का निकालो, इस वाले खुद निकाल के बताओ भाई क्या आ रहा है. विवेक, बॉन्ड पेयर क्या समझ में आ गया? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डिंग में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें. ठीक है, अब आपके पास ये वाला ऑक्सीजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6, माइनस का लोन पेयर 4, माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4. बॉन्ड पेयर कितना? 1, 2, 3, 4. कितना आया भाई? 0. इस वाले ऑक्सीजन का चार्ज आ गया आपका 0. नाइट्रोजन का निकालोगे कितना आ रहा है? देखो जरा जल्दी से निकाल के. नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज जो है वो कितना आ रहा है? कर रहे हो खुद कि मैं बताऊं? नाइट्रोजन के वैलेंस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 माइनस के 1/1 आ जाएगा. गुड. 1, 2, 3, 4 लोन पेयर एक भी नहीं है, और बॉन्ड पेयर जो है वो कितने हैं? 8 प्लस का 1, तो इसके ऊपर आ गया प्लस 1. ओवरऑल चार्ज कितना हो गया भाई? प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 हो गया चार्ज. आया ना? ओवरऑल चार्ज बच्चे कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा. क्लियर है? हमें ये फॉर्मल चार्ज हमने निकालना सीख लिया. अब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी का भी बना सकते हो. आया ना? C2H4 का बनाओगे अपने आप. C2H4 C2H2 का अपने आप बनाना. CH3OH का अपने आप बनाना. बना लोगे? आया ना? किसी का बनाना है जल्दी बताओ. इनमें से किसी का है जो कोई ना बना पाओ? एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई और मेरे पास हो तो. मेरे पास नहीं है क्वेश्चन. ये सारे स्ट्रक्चर आपके पास बने हुए हैं, आप एक बार खुद अपनी कॉपी में बनाना. ठीक है भाई? ये रूल्स लिखे हुए हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के, ये सारे रूल्स को नोट डाउन कर लेना. जो मैंने भी बताए हैं वही है, बट प्रॉपर तरीके से लिखे हैं. क्लियर है? हाँ ना? बना लोगे सारे स्ट्रक्चर अपने आप? ठीक है, अपने आप बना लिया. हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड के बारे में, जो हमने बात करी थी लुईस आपका जो है क्या खजान रूल के बारे में. है ना? खजान रूल पहले कर लेते हैं, फिर आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं. थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं हम चीजों को जो हमने पिछली क्लास में किया था भाई. कोवलिंग बॉन्ड कैसे बनते हैं? फजान रूल को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, फिर कुछ गड़बड़ हो गई थी, फिर हमने उसे वहीं रोक के कुछ और वाली जो बात थी वो कर ली थी. ठीक है, मतलब ठीक था फजान रूल, बाद में बताया था मैंने. कोवलिंग कैरेक्टर क्या? कोवलिंग बॉन्ड हमें सबको पता है, कोवलिंग बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने क्लास में डिस्कस किया था.
उससे भी रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी थी, लैटिस एंथैल्पी, वो भी हमें डिस्कस करनी है अभी। पहले कोवलेंट कैरेक्टर जो फजान रूल है उसके बारे में बात कर लेते हैं और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो देखते हैं। कोवलेंट कैरेक्टर मतलब कि बच्चे क्या, जो मेरा जितने भी मेरे आयनिक बॉन्ड होते हैं ना, आयनिक बॉन्ड, उनमें कुछ पार्ट आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ कैरेक्टर ऐसा होता है कोवलेंट का कैरेक्टर। वो कैसे आया, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता भाई, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दोनों के दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, कोई बॉन्ड नहीं है इनके बीच में, बात समझ रहे हो। आयनिक बॉन्ड में कोई बॉन्ड नहीं है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होता है, पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो थोड़ी देर के लिए या फिर कभी क्या होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया भाई, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या किया, ये वाले को अपनी तरफ खींचा, तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ ज्यादा आ गया इस तरफ, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया और इस तरफ क्या हो गया कम, जैसे कि आप यहाँ पे शेयर इस तरफ देख रहे हो स्ट्रक्चर, बस समझ में आई। ये नॉन पोलराइज्ड है, दोनों को जब एक दूसरे के दोनों जब पास आए तो थोड़ी देर के लिए क्या हुआ भाई, नेगेटिव चार्ज इसने क्या किया अपनी तरफ, एक थोड़ा सा ये जो करेक्टर है नेगेटिव चार्ज का, ये क्या हो गया इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। ये कुछ कुछ हमें ऐसा दिखने लगा कि जैसे कि क्या हो, ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा हो, बात समझ में आई क्या हुआ। यस मैम, यस मैम। थोड़ी देर के लिए मतलब कभी कभी बीच में क्या हो रहा था, जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज उसको अपनी तरफ क्या कर रहा था, इस तरीके से पोलराइज कर रहा था, पोलराइज मतलब ऐसे अपनी तरफ खींच रहा, तो सारे नेगेटिव एक तरफ आ गए, इस तरफ कुछ भी नहीं हुआ, बात समझ आ गई, नेगेटिव ज्यादा इस तरफ आ गए और इस तरफ कम नेगेटिव है लेकिन इस तरफ ज्यादा नेगेटिव आ गए। तो ये कुछ कुछ हमें किसकी तरह देखने लग गया, कोवलेंट बॉन्ड की तरह, बात समझ में। तो आयनिक बॉन्ड के अंदर थोड़ा बहुत जो कैरेक्टर होता है वो कोवलेंट कैरेक्टर होता है। अब वो कोवलेंट कैरेक्टर कितना है उसके लिए हमने क्या बनाया है, फजान रूल, क्लियर हुई बात। आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कितना है, मतलब कि वो कितना उसने उसको अपनी तरफ खींचा जिसकी वजह से क्या आ गया उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, वो कितना है ये जानने के लिए हमारे पास क्या आया, फजान रूल। फजान रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव चार्ज जितना स्मॉल होगा, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही ज्यादा वो इसको पोलराइज करेगा अपनी तरफ, बात समझ में आई। स्मॉल पॉजिटिव एटम मतलब कि जो पॉजिटिव एटम है वो जितना ज्यादा छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा नेगेटिव आयन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, पोलराइज करेगा, खींचेगा, बात समझ में आई। जितना ज्यादा छोटा एटम होगा तो उतना ही स्मॉल पॉजिटिव एटम या स्मॉल पॉजिटिव कैटायन है मोर कोवलेंट कैरेक्टर, क्लियर हुआ कुछ। कोवलेंट कैरेक्टर भाई, हमने कल की क्लास में हमने एक बात करी थी, क्या किया था, लिथियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड था, लीना के पोटेशियम लीना की रब से फरियाद है ना, यही किया था ना हमने, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। मैंने कहा कि भाई इनमें से आयनिक कैरेक्टर्स, आयनिक बॉन्ड किसमें ज्यादा होगा, तो हमने कहा भाई इसमें ज्यादा होगा इसमें कम, आयनिक बॉन्ड का यही था, आयनिक बॉन्ड किसमें इजिली फॉर्म हो जाएगा, सीजियम क्लोराइड में। कोई मुझे अगर ये बता दे, किसी को याद हो कि सीजियम क्लोराइड में क्यों आयनिक बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा, दीक्षा बता सकते हो, नाजू याद है, किसी ने रिवाइज किया, ये कौन है मैम, कौन कौन है, फजान कौन है, हाँ विवेक बोलो, विवेक में पढ़ा लगता है मैम, क्योंकि सीजियम छोटा होगा शायद, इसलिए छोटा होता है सीजियम को, ऐसी बातें मत करो यार, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये भी आयनिक का लिख रही हूं मैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक, अरे भाई आयनिक का पॉजिटिव चार्ज स्मॉल होता है क्या बच्चे, नाजो मैम ये नीचे की साइड है इसलिए ये इंक्रीज होता है, तो ये बड़ा है मैम, बड़ा है, आयनिक बॉन्ड इसमें क्यों ज्यादा है, हमने पिछली क्लास में बात करी थी भाई, आयनिक बॉन्ड, फिर जो आयनिक बॉन्ड के बारे में ही हम बात कर लेते हैं, हम वापस से आ गए हम आयनिक बॉन्ड के पास। आयनिक बॉन्ड की क्या क्या किस किस बात पे आयनिक बॉन्ड जो है वो डिपेंड करता है, फर्स्ट किस पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, किस पे डिपेंड करता है भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है याद है किसी को, भूल गए, नहीं याद होगा, हर क्लास में बताती हूँ, वेरी गुड सतीश, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसीयस एटम।
आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरे पास लिथियम से निकालने में भाई ज्यादा लगती है या सीजियम से निकालने में ज्यादा लगती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, साइज सीजियम का बड़ा है, माइक ऑफ करो, साइज सीजियम का बड़ा है यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, एनर्जी इसमें कम लगेगी निकालने में इसमें से इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चे जिसकी कम हो लगेगी वहां पर आयनिक बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। बस समझ में आई आयनाइजेशन एंथैल्पी? अगर भाई इजिली मेरा इलेक्ट्रॉन सीजियम में से मेरे को इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, हाँ या ना, एनर्जी जो है यहाँ पे मुझे कम देनी पड़ेगी, तो मेरा आयनिक बॉन्ड इजिली बन जाएगा सीजियम, जब सीजियम प्लस, जब सीजियम का कटायन इजिली बन जाएगा तो मेरे पास आयनिक बॉन्ड भी इजिली बनेगा या नहीं बनेगा? सेकेंड फैक्टर किस बात पे डिपेंड करता है आयनिक बॉन्ड का? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन, ये कल की भाई प्रीवियस क्लास में हुआ था, आज तुम लोग सारे बच्चे आए हो और मतलब जो प्रीवियस क्लास हुई थी वो थोड़ा सा आपके शेड्यूल टाइम में नहीं हुई थी, उसमें से काफी बच्चे मेरी वजह से नहीं ले पाए होंगे इसलिए मैं ये रिपीट कर रही हूँ, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है भाई? प्रियंका बड़ी क्लैपिंग हो गई, एनर्जी गेन करते हैं जो इलेक्ट्रॉन, जब एनर्जी ऐड नहीं करते, एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऐड, भाई याद कर लो, क्यों क्यों नहीं याद करके दे रहे हो, 10 बार हो जाती हैं बातें, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऐड, क्या दिक्कत क्या आ रही है इस टर्म को याद करने में? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भाई जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी, बोलो, हाँ वाला है कैसे, दोनों टर्म्स एक दूसरे के मतलब एकदम क्लियरली मेंशन बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, तुम तब भी नहीं बता पा रहे हो, कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि तुम देख ही नहीं रहे हो उसको, एक बार गौर से पढ़ लो भाई आयनाइजेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, बस करो अब ये इतने रोने जैसे मुंह और थम्स अप भेजना, पढ़ लो। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब बच्चे क्या कि एनर्जी रिलीज कितनी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज होती है भाई? क्लोरीन, दोनों में भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की, क्लोरीन से, हाँ ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जितनी ज्यादा मतलब जितना ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होगी उतना ही आपका आयनिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, क्लियर है, हाँ ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बड़ी ज्यादा होनी चाहिए, और एक और टर्म आती है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या, ये टर्म इतनी इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम में, हर, मतलब अभी आपको थर्मोडायनेमिक्स में और भी बहुत सारी जगह ये टर्म मिल जाएगी। लैटिस एंथैल्पी मतलब क्या भाई, एक आपका जो सॉलिड ये एटम है NaCl, सपोज ये सॉलिड में है, इसको तोड़कर किसमें कन्वर्ट करने में, इसकी आयंस में, गैसियस आयंस में तोड़ने में जो एनर्जी लगी ना, जो लैटिस एंथैल्पी जो एनर्जी इसको तोड़ने में लगी है बच्चे, वो क्या है आपकी लैटिस एंथैल्पी, या फिर ये आपका क्या 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 बोले भाई, मैं पूछ रही हूँ क्या लाना, क्या लाना है? Na प्लस गैशियस एटम से आपने क्लोराइड आयन गैशियस एटम को दोनों को कंबाइन करके जो NaCl सॉलिड बनाया, इसमें जो आपकी एनर्जी क्या हुई, इन दोनों को कंबाइन करने में जो एनर्जी आपकी रिलीज हुई, जब बॉन्ड बनता है तो भाई एनर्जी रिलीज होती है, हाँ या ना, बताई थी ये बात, बॉन्ड फॉर्म होगा तो जो एनर्जी आपकी रिलीज हुई दैट इज क्या, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या है, लैटिस एंथैल्पी, क्लियर हुई बात, हाँ या ना। वन मोल, यहाँ पे वन मोल सॉलिड, वन मोल सॉलिड फॉर्म करने में जो एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पर एनर्जी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। माइक ऑफ करो भाई, कौन बोल रहा है पीछे पीछे, ना बोलो पीछे पीछे, ठीक है। तो आपके पास लैटिस एंथैल्पी पे डिपेंड करता है आयनिक बॉन्ड कितना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे डिपेंड करता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। अब फजान पे वापस दोबारा आ जाते हैं, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा। हमने क्या बताया था इसके बारे में, और डिटेल में हम पढ़ेंगे लैटिस एंथैल्पी के बारे में, अब बॉन्ड हैबर साइकिल्स के अंदर ही आता है, भी पढ़ेंगे।
क्या क्या यूज किया है लैटिस एंथैल्पी का, पहले जरा मुझे बताओ। आयनिक बॉन्ड मेरा सीजियम क्लोराइड के अंदर क्या था सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या था मेरे पास यहाँ पे, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और आरबीसीएल करके था, आरबीसीएल, ठीक है। तो मेरे पास आयनिक बॉन्ड इसका ज्यादा था, तो कोवलेंट करेक्टर का भाई नेचर क्या बताया था भाई, कोवलेंट करेक्टर जितना स्मॉल साइज, इन सब में स्मॉल साइज किसका टाइम का, लिथियम का, कोवलेंट करेक्टर का जो ऑर्डर होगा वो ये हो जाएगा, एसीएल, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। भाई कोवलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा अगर पूछ लिया जाए तो अकॉर्डिंग टू फजान रूल आप क्या कहोगे, स्मॉल साइज ऑफ लिथियम देन फिर सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, कोवलेंट करेक्टर जो है लिथियम क्लोराइड में ज्यादा होगा, उसके बाद सोडियम में, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। हाँ ना बोलो, यस समझ में आया क्या बोला मैंने। पहला रूल जो फजान रूल का वो क्या कहता है, स्मॉल साइज ऑफ कटायन हैव मोर कोवलेंट करेक्टर, क्लियर है, कोवलेंट करेक्टर। जब भी आपको दिख जाए कि अनायन सेम है, कटायन का साइज वेरी कर रहा है, तो जिसका भी स्मॉल साइज होगा उसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। सेकेंड क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर भाई ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज इतना छोटा रहेगा और पोलराइजिंग पावर उसमें उतनी, बिकॉज ऑफ मोर पोलराइजिंग पावर, मोर पोलराइजिंग पावर, क्लियर हुई। पोलराइजिंग पावर मतलब कि क्या, इसको अपनी तरफ खींचने की जो पावर है वो किसने, स्मॉल वाले, उसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट आ जाओ अनायन को क्या कहता है वो, अनायन क्या होना चाहिए, लार्ज साइज अनायन, लार्ज साइज ऑफ अनायन, लार्ज साइज ऑफ किसका, अनायन का, लार्ज साइज ऑफ अनायन, कोई मुझे बता सकता है कि लार्ज साइज ऑफ अनायन में कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा मैम। क्यों भाई, मेरे को ये देखो एक मॉलिक्यूल है यहाँ फ्लोरीन और ये है आपका क्लोरीन उससे बड़ा, उसके बाद आ गया आपका ब्रोमीन, उसके बाद आ गया आपके पास यहाँ पे आयोडीन सबसे बड़ा। भाई जो इतना बड़ा साइज है ये इजीली, ये अगर यहाँ पे मेरे पास एक कटायन है भाई, इसके पास भी इतना ही साइज का कटायन है, इसके पास भी इतना ही साइज का कटायन, कौन बड़ी जल्दी से इसकी तरफ हो जाएगा, ऐसे खींच जाएगा इसकी तरफ, मतलब पोलराइजिंग हो जाएगा, पोलराइजिंग हो जाएगा इजीली, नेगेटिव चार्ज इजीली बड़े वाले का इस तरफ आ जाएगा ना, बोलो भाई हाँ या ना। छोटे वाले ने तो अपने सारे इलेक्ट्रॉन को अपने पास जकड़ के रखा है, बड़े वाले के पास जो है वो क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर है, हाँ या ना। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड। अभी हम और भी चीजें देखते हैं, जरा यहाँ पे क्वेश्चन देखो, NaF दिख रहा है, NaF, NaCl, NaBr और क्या है Na I, ठीक है, इन दोनों में सब बड़ा, अब कटायन तो सबके सेम है, अनायन किसका बड़ा है सबसे बड़ा, आयोडीन, यानी कि को अनायन कटायन और एनोड कैथोड में कंफ्यूजन रहती है। एनोड कैथोड तो मैंने अब तक बताया, कहीं मैंने एनोड कैथोड का नाम लिया इस चैप्टर में अभी तक, क्या बात करते हो सतीश, तुम एनोड और कैथोड कहाँ से आ गए, एनोड और कैथोड कहाँ से आ गया। अरे सतीश तुम ज्यादा ही पढ़ लेते हो बच्चे, तुम 11th क्लास के ही हो ना, इसमें नहीं आया तो कहीं भी नहीं आया, क्यों क्यों एनोड कैथोड तो नहीं अभी तक आया। अरे बस करो भाई, कितना हंसोगे, पढ़ रहा है बच्चा, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो इसलिए। चलो भाई एनोड कैथोड से कंफ्यूज मत हो, एनोड कैथोड अलग पूरा चैप्टर है, ये इसका अलग है। चलो ठीक है, आप आ जाओ जरा, इन सब में मुझे बताओ किसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, NaI में, फिर NaBr में, फिर NaCl में, यस कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर आया ना, क्योंकि जितना बड़ा अनायन उतना ही ज्यादा उसमें क्या हो जाएगा, कोवलेंट करेक्टर। ये हंसना बंद करो विवेक में, यहाँ से यार ये बच्चे ना बिल्कुल ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, खुद तो पढ़ते नहीं है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं देते, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। कोवलेंट करेक्टर ज्यादा, क्लियर है भाई, हाँ या ना। बाद में अगर किसी ने मुझसे पूछा ना मैम नहीं समझ में आया, फिर देखना पटाई पड़ेगी उसको। नेक्स्ट आ जाओ मुझे रहा इसका बताओ, बेगम केसर बारा, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड,
कैल्शियम क्लोराइड और क्या है, स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम होता है, जरा इन सब में बताओ जरा कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, मैग्नीशियम सोडियम कोई बताएगा, हाँ या ना, ये होगा जितना स्मॉल साइज कोवलेंट करेक्टर। थर्ड रूल आ जाओ, क्या कहता है थर्ड रूल कोवलेंट करेक्टर के लिए, कितने रूल हो गए थे हमारे, दो हो गए थे। थर्ड रूल क्या कहता है आपका, जिसका चार्ज ज्यादा, मोर चार्ज हैव मोर कोवलेंट करेक्टर, भाई जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा वो इजीली अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मोर पोलराइज करेगा उसे, पोलराइजिंग पावर उसकी ज्यादा होगी। अरे भाई शांत हो जाओ, कमेंट ऑफ करो, नहीं तो मुझे यहाँ से ऑफ करना पड़ेगा, फिर रह जाओगे यहीं पे, फिर बोलोगे कि मैम कमेंट ऑन करो, ऑन करो, हमें बात करनी है। मोर चार्ज हैव मोर कोवलेंट करेक्टर, जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा, थर्ड रूल है, जैसे कि NaCl आपके पास है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, और मैग्नीशियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन तीनों में मुझसे कोवलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा पूछ लिया जाए, तो चार्ज जिसका ज्यादा, एल्यूमिनियम 3+ का, इसमें 3+ चार्ज है, इसमें 2+ चार्ज है, और इसमें +1 चार्ज है, तो आपके पास जिसके पास सबसे ज्यादा चार्ज होगा वो क्या करेगा, मोर पोलराइजिंग पावर, उसके अपनी तरफ खींचने की पावर ज्यादा होगी, इसलिए कोवलेंट करेक्टर उसका ज्यादा होगा। क्लियर है थर्ड रूल कोवलेंट? यस मैम। ठीक है, कोवलेंट करेक्टर का ये ऑर्डर है। इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि कोवलेंट करेक्टर किसका ज्यादा है किसका कम है, ये बताओ, क्वेश्चन आपके पास आता है उसके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाता है। क्लियर है, हाँ या ना? नेक्स्ट आ जाओ, फिफ्थ रूल क्या कहता है आपका, अनायन में भी सेम, अगर जिसके पास जितना ज्यादा बड़ा साइज जितना ज्यादा उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव फ्लोरीन, अगर ये आपके पास NaF है, Na क्या बनेगा इसका, Na2O है और Na3N, क्लियर है, इन तीनों में से नेगेटिव चार्ज किसके पास ज्यादा है भाई, N3 नेगेटिव है, इसके पास -2 है, इसके पास -1 है, कोवलेंट करेक्टर जिसका चार्ज ज्यादा उसके पास कोवलेंट करेक्टर ज्यादा, तो कोवलेंट नेचर का जो ऑर्डर है वो ये होगा, कोवलेंट ऑर्डर। ठीक है, हाँ है ना? नेक्स्ट आ जाओ, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है आपके पास, कि अगर मेरे पास, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपके पास दो दो झने अगर आपके पास हैं, दो सॉल्ट हैं आपके पास, जैसे कि कॉपर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, जो स्यूडो आपकी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो अगर ये कर रहा होगा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर आ रही होगी, तो उसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, जैसे कि कॉपर प्लस है, NaB+ है, कॉपर प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होती है, सबको पता है भाई 3D10 आता है इसके, उसमें 4s1 3D10 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया कॉपर प्लस में, तो कॉपर प्लस की क्या हो जाएगी 3D10। क्या ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करिए नहीं करिए, ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, तो जब ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बच्चे दिखा रहा है, इस बात का मतलब है कि ये वाला इसका कोवलेंट करेक्टर इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। याद रहेगी ये बात, चार पॉइंट, चारों के चारों, पहला कटायन छोटा होना चाहिए, दूसरा अनायन बड़ा होना चाहिए, तीसरा अगर चार्ज ज्यादा है, पजान के चारों रूल्स आपको पता होने चाहिए, कटायन छोटा, अनायन बड़ा, और थर्ड पॉइंट क्या था भाई, कौन बताएगा लर्गेस, चार्ज वाला, चार्ज, चार्ज जिसका ज्यादा उसका उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर। फोर्थ है आपका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको दो सॉल्ट दिए हैं, उसमें दोनों सॉल्ट में एक के पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, जैसे कि ZnCl2 ZnCl2 और MgCl2, बिल्कुल ZnCl2 मैग्नीशियम, ये फोर्थ वाला है, ZnCl2 और मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दोनों में से कोवलेंट करेक्टर किसका ज्यादा होगा अगर मुझसे पूछ लिया जाए, भाई आपको पता है Zn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिंक की होती है 3d10 4s2, और यहाँ जिंक Zn2+ स्टेट में है, तो यानी कि 3d10 4s निकल गई, 2 निकल गए यहाँ से, 3d10 है, क्या ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों कर रहा है, यानी कि कोवलेंट करेक्टर इसका ज्यादा होगा इससे। क्लियर है, हाँ या ना? Yes, ma'am. आया समझ नरगिस? नहीं? और इसमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना, सिर्फ और सिर्फ आपके पास कॉपर का, किसी को पता है कॉपर के नीचे कॉपर AgAu होता है, और जिंक के नीचे कौन कौन होते हैं, जिंक कैडमियम मर्करी, जहां पे भी आपको इनके सॉल्ट दिख गए, यानी कि इनमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा भाई, ये ऑर्डर याद रख लो, कौन आगे आएगा, इसके शॉर्ट फॉर्म है याद करने का, कॉपर के नीचे Ag आता है, फिर AU आता है, कौन आगे आएगा,
जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसका मुझे नहीं पता भाई कौन कहने जिंक का क्या बनाए भाई, कुछ बना दो अपने मन से जिंक कैडमियम और मरकरी के लिए, किसी को पता है? एनीवन? योगिता याद होगी? ऐसी नोनी याद होगी बच्चे? ऐसी जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है, ये एक दूसरे के तीनों एक दूसरे के नीचे होते हैं, जहां पे भी इनके साथ इनका जो सॉल्ट बन के आएगा, जैसे कि जेड के साथ सीएल टू मतलब टू प्लस स्टेट में, और कॉपर वाले और एजी वाले एजी सी एल, अगर मुझसे पूछ लिया जाए एजी सी एल और NaCl में कोवलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा, तो किसमें ज्यादा होगा? AgCl में आया ना, क्योंकि ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। क्लियर है ये बात? बोलो भाई, हाँ या ना? अब एक दो मिनट क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई थी, तो थोड़ी सी बात और एक चीज देख लो, क्या कि कोवलेंट करेक्टर हम क्यों निकालना देख रहे हैं बार बार हर चीज के लिए? भाई कोवलेंट करेक्टर जिसका कम होगा उसका आयनिक करेक्टर क्या होगा? ज्यादा। और जिसका आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा बच्चे, यानी कि वो इजिली सॉल्युबल हो जाएगा, किसमें? सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी? ज्यादा। आया ना? yes, भाई सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी ना, आयन इजिली आयनिक बॉन्ड है, इजिली डिसोशिएट हो जाएगा आपका जब भी आप उसको सॉल्युबल करोगे, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर मुझसे पूछ लिया जाए उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका, जिसको आयनिक करेक्टर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे उसका? ज्यादा होगा। आपके पास जो बॉन्ड है वो क्रिस्टल फॉर्म में होंगे, NaCl जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, तो भाई इनका मेल्टिंग और ये क्रिस्टल बन जाते हैं, तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। Yes, जो भी आपके आयनिक बॉन्ड, तो अब आपको मुझे इन सब का किसका AgCl, AgCl और किसका भाई किसका Ag के साथ और बताओ, AgCl, AgF, AgCl, AgBr, Ag आयोडीन, इन चारों का मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता सकते हो इजीली? हाँ या ना? सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी आपके पास, जिसका आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा? कोवलेंट करेक्टर क्या ऑर्डर ये है? बोलो भाई, कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर ये है? yes, नहीं है। आयनिक करेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? AgF, इसका रिवर्स हो जाएगा, और AgBr, और यानी कि सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा किसकी हो जाएगी आपके पास? इसकी, AgF की, AgCl देन AgBr देन AgI। और अगर मुझसे पूछा जाए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो सेम यही रहेगा। हाँ या ना? yes, ma'am. क्लियर है? अब बाकी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने आप अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया भाई, कॉपर क्लोराइड और किसमें NaCl में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा? भाई कोवलेंट करेक्टर इसका ज्यादा, तो इसका NaCl का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी भी किसकी ज्यादा? NaCl की। क्लियर है? हाँ ना? दो चार क्वेश्चन बता दो और उसके बाद जा सकते हो। NaCl, NaBr, NaI, इनके बीच में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बता दो, और लिथियम क्लोराइड, लिथियम नहीं, लिथियम क्लोराइड नहीं, NaCl, NaCl, मैग्नीशियम लीना की KCl ऑर्डर बताओ फटाफट से फर्स्ट। अब कैसे बताओगे ऑर्डर, कौन बताएगा? जिससे पूछूंगी बताएगा, लीना की रब से परिया। NaCl में मुझे बताओ कोवलेंट करेक्टर किसका ज्यादा है, कौन बताएगा? नरगिस कहेगी, मेरे पीछे पड़ जाती है, अंजलि बताएगी। अंश बता सकती हो? अंजलि और नरगिस दोनों में से कोई बताओ, NaCl और NaBr, NaI में कोवलेंट करेक्टर किसका ज्यादा है? NaI का। NaI का, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताना है, इसकी ज्यादा होगी जिसका आयनिक करेक्टर ज्यादा, जिसका आयनिक करेक्टर। हाँ विशेष बोलो। नहीं मैं बोल रहा था, बता देता। अच्छा, लिथियम क्लोराइड वाला बताओ। क्लियर है? ऊपर वाला आयनिक करेक्टर NaCl का ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी भी NaCl की ज्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ नीचे वाले के लिए, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? अमन, अमन कुमार, अमन अहमद, लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड का क्या ज्यादा होगा? और फ्लोराइड, सॉरी क्लोराइड कर दो इसे भाई, सभी क्लोराइड है, तो क्या ज्यादा होगा इसका
आयनिक मेल्टिंग पॉइंट बताओ किसका ज्यादा होगा भाई, जिसका आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा आयनिक, मुझे बताओ इसका, ये इसका आयनिक करेक्टर का, ये कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर है या नहीं है, कोवलेंट करेक्टर ऑर्डर आयनिक का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा आया ना, नहीं समझ में आया क्या, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, आ गया आ गया ना आपके पास आयनिक करेक्टर का ये, तो मेल्टिंग पॉइंट भी भाई इसका ज्यादा, तो आपने क्यों बोला लिथियम क्लोराइड क्यों बोला, गौरव क्लियर है, ईशा क्लियर है, फजान रूल सीखा हमने और लुईस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज निकालना, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगली क्लास में हम बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी आता है, पर देखते हैं, नहीं तो फिर हम अगर आपके सिलेबस में इसी में पढ़ाना होगा तो इसमें कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको क्लियर है, हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई। अब एक बार इस जितने भी जो मैंने पीडीएफ भेजी है इसके जितने भी रूल्स हैं उन्हें कर लेना, कोई भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है भाई।